उत्तराखंड में 7 जिलों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में तेज बारिश के आसार। अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश। पहाड़ पर बारिश के चलते कुमाऊं में आज स्कूल बंद। चमोली, नैनीताल में 2 दिन स्कूल बंद। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद किया गया। उत्तराखंड में ITI का निजी कंपनियों के साथ करार। छात्र छात्राओं को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। युवाओं को जल्द मिलेगा रोजगार। मंत्री सौरभ अगोड़ा ने दी जानकारी। देहरादून में मुख्य सचिव से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर विरोध। मुख्य सचिव को कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। कहा, बिजली के बिलों में हो रही गड़बड़ी। कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा का दूसरा चरण। आज शाम केदारनाथ पहुंचेंगे कांग्रेस नेता। कल सुबह करेंगे जलाभिषेक। पूजा के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्द्वानी में मुकेश बोरा की बड़ी मुश्किलें। मुकेश बोरा के घर पुलिस की मुनादी। कुर्ती का नोटिस, पुलिस ने किया चस्पा। मुकेश बोरा पर यौन शोषण का आरोप। नैनीताल दुग्ध संघ का अध्यक्ष है मुकेश बोरा। विकासनगर में हाईवे किनारे बना दिया डंपिंग जोन। हरबतपुर पालिका ने डलवाया कूड़ा। स्थानीय लोगों को आने जाने में दिक्कत। उत्तरकाशी में जनप्रतिनिधियों की डीएम से मुलाकात। ऑल वेदर सड़क निर्माण जल्द कराने की मांग। डीएम के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक भटवाड़ी के लोगों का ज्ञापन। ऑल वेदर रोड में तेजी की मांग। उत्तरकाशी में सुबह से ही लगातार बारिश जारी। यमुनोत्री धाम में बढ़ी ठंड। बारिश के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई। चमोली में अचानक मौसम में बदलाव। बारिश और बर्फबारी शुरू। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट।